नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, एक चर्चा बनी रहती है आपके मन में, हमारे मन में एक बात रहती है, कहीं हम ज़्यादा नमक तो नहीं ले रहे, और कभी हो सकता है आपको ना लग रहा हो लेकिन आप ज़्यादा नमक ले रहे हो, और ज़्यादा नमक का कितना हानिकारक होता है आपकी स्किन के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके लिए, यह आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो हम आपको साथियों बताएंगे 5 ऐसे साइन जो आपको यह एहसास दिला देंगे कि आप नमक कम ले रहे हैं, ठीक ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, या खास तौर से आप नमक कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। ऐसे 5 साइन हैं, इसको आप अपने शरीर में देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और या समझ सकते हैं कि कहीं आप ज़्यादा नमक तो नहीं ले रहे। चलते हैं उस सफ़र पे साथियों जिस पे आपको बताते हैं वो साइन, जिससे आप जान लेंगे कि आप कहीं ज़्यादा नमक का इंटेक तो नहीं कर रहे हैं। और साथियों, आप यह 5 साइन हैं ये जो आप पहचान के इसको देख सकते हैं। सबसे पहले साथियों, अगर आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो आपकी ब्रेन में एक बोझिलता होगी, आपके दिमाग बोझिल रहेगा, वो फॉगी रहेगा ब्रेन। यह पहला सिम्टम है, साइन है कि आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं। दूसरा साइन साथियों आता है कि आपका गला बहुत सूख रहा है, मुंह बहुत सूख रहा है। तो तब भी अगर आपका मुंह सूख रहा है तो संभावना है कि आप ज़्यादा नमक खा रहे हों। तीसरा साइन साथियों आता है कि आपके गुर्दे में पथरी बन रही हो, रीनल कैलकुलई बन रहे हो, किडनी में स्टोन बन रहे हो, यह भी परिसूचक है आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं। चौथा साइन आता है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो, यानी पेट में खाने के बाद आपको दर्द हो रहा हो। अगर आपको खाने के आधे घंटे बाद आपके पेट में दर्द हो रहा है तो हो सकता है, इसकी संभावना है कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया हो और यह ज़्यादा नमक खाने से आपको तकलीफ हो रही हो। पांचवा साइन साथियों जो आता है वह होता है ब्लड प्रेशर। अगर आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ेगा। छठा इसका निशान होता है आपकी स्किन ड्राई हो जाना। अगर आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं साथियों तो आपकी स्किन ड्राई रहेगी और उसमें क्रैक्स आएंगे। यह साथियों 5 से 6 सिम्टम थे, साइन थे आपको यह पहचानने के लिए कहीं आप ज़्यादा नमक तो नहीं खा रहे, क्योंकि बचाव ही सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा उपाय है। तो आप नमक को कम लें, और हमने एक वीडियो में सेंधे नमक यानी कि रॉक सॉल्ट के विषय में बताया है, आप उस वीडियो को भी देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह साथियों एक आपकी जानकारी के लिए प्रोग्राम था, यह किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या उसकी राय का विकल्प नहीं है। तो अगर कोई बहुत ही आपको सीरियस मेटाबॉलिक ट्रबल हो तो आप किसी डॉक्टर से पूछ के ही कोई भी अपनी डाइट में चेंज करिएगा, जो भी आप डाइट ले रहे हो। क्वेश्चन हो साथियों, YouTube नोटिफिकेशन या WhatsApp पे क्वेरी हमको WhatsApp करिएगा, कोशिश करूंगा आपकी बात का जवाब दे पाऊँ। वीडियो साथियों अगर आपको पसंद आए, समाज हित में लगे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक करके सबसे पहले हमारे सबसे नए वीडियो को प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।